बरसात का मौसम आ चुका है और खूब अच्छी बारिश हो रही है। बारिश में पकोड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे तो देखा जाए ना तो पकोड़े खाने के लिए ना किसी मौसम का इंतज़ार नहीं रहता है। जब भी मन किया आप इसे बना करके खा सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और सारा सामान घर में ही रहता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशा का किचन में। तो पकौड़े बनाने के लिए ना 4 प्याज मैंने छील करके धो लिया है और 2 आलू छील करके पानी में डाल दिया है ताकि आलू काला ना हो। जो प्याज का व्हाइट वाला गांठ होता है ना उसे हमें काट के निकाल देना है और उसके बाद प्याज को हम लोग काट लेंगे। तो प्याज को ना हमें जिस तरह से सब्जी में डालने के लिए काटते हैं ना लंबा लंबा, उसी तरह से लंबा लंबा ही काट लिया है। इसे एक साइड में कर देंगे और आलू को भी हमें काट लेना है। तो आलू को भी ना हम लोग जिस तरह से आलू भुजिया बनाने के लिए आलू को काटते हैं ना ठीक उसी तरह से काटना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रहेगा ना तभी जो पकौड़ा है क्रिस्प बनेगा। तो आलू को भी हमने काट लिया है, एक साइड में रख देंगे। और दूसरे तरफ ना एक बड़े से बर्तन में मैंने 2 कप बेसन लिया है। जिस कप से पानी डाल रही हूँ ना उसी कप से 2 कप मैंने बेसन लिया है और 1 कप पानी डाल करके ना पहले इसका बैटर बना लेंगे। इस तरह से बैटर को घोल लीजिएगा ना तो इसमें लम्स वगैरह नहीं रहेगा, तो प्याज को मिक्स करते वक्त ना दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्याज और आलू जो हमने काट करके रखा है वो। तो जनरली आलू प्याज के पकौड़े तो हर कोई बनाता है, लेकिन इसमें अब हम लोग डालेंगे काले चने, जिससे इसका ना स्वाद है और दुगुना हो जाएगा और जो पकौड़ा है ना बहुत ही क्रिस्प बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो काला चना है जिसको रात भर के लिए मैंने भिगो करके रख दिया था, 1/2 कप है, आप चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। 6-7 हरी मिर्च बारीक काट करके डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने घिस दिया है। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन और मंगरेल है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। तो पकौड़े में ना मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च ना ज़्यादा डालिएगा, उससे जो है पकौड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, स्वाद भी अच्छा आता है। अब अच्छी तरह से ना आलू प्याज चने को ना बेसन के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो बेसन है ना अच्छी तरह से कोट हो जाए। नमक ना हमें लास्ट में ऐड करना है जब हम लोग पकौड़े फ्राई करेंगे तब। पहले नमक ऐड कर दीजिएगा ना तो आलू प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, पानी रिलीज कर देगा तो पकौड़ा जो है ना क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो दूसरी तरफ हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब हम लोग इसमें डाल देंगे पकौड़े। तो पकौड़े ना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा बनाना चाहें, लेकिन मैंने ना जैसे मार्केट में मिलता है ना ठीक उसी तरह से बनाया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना 5 से 6 मिनट लगेंगे हम लोग को पकौड़े फ्राई करने में। तो एक तरफ से पकौड़ा फ्राई हो चुका है, पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़ा जो है ना फ्राई हो चुका है, देख पा रहे होंगे बिल्कुल सुनहरा हो चुका है और देखने में ही क्रिस्प लग रहा है। ये जो पकौड़ा है ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। तो पहला बैच हमने फ्राई कर लिया है और ये लास्ट वाला बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। इस पकौड़े को ना आप ग्रीन तीखी चटनी के साथ खाएं या फिर केचप के साथ, बहुत अच्छा लगता है। इसका स्वाद दुगना करने के लिए ना ऊपर से मैंने डाल दिया है काला नमक, तो काला नमक जरूर डालिएगा, इसका स्वाद ना बढ़ जाता है। शाम को चाय के साथ इसे सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।